प्रदेश कमेटी के आह्वान पर आज बढ़ती महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके नारेबाजी की, हाथों में तख्तियां लेकर अपनी आवाज बुलंद की। सपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, रसोई गैस, खाद, बीज आदि पर बढ़ती महंगाई के विरोध में आज तहसील मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू की अगुवाई में तहसील सदर के गेट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। मुरादाबाद देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी भी अपनी टीम के साथ थे। यहां सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करके एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि भाजपा की सरकारें जन विरोधी हैं, किसान इन सरकारों में बुरी तरह से परेशान हो रहा है। बिलारी में विधायक फहीम इरफान और कुंदरगी के विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान की अगुवाई में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अलग अलग आंदोलन किया गया। महमूद कमाल, हम लोग समाजवादी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और आज 15 तारीख को हम लोगों ने तहसील स्तर पे बहुत अच्छा से और बहुत बढ़िया तरीके से धरना दिया है। आप लोगों ने सबने देखा होगा। और जो जुल्म और ज़ाती भाजपा सरकार कर रही है समाजवादी वालों के साथ, हमारा पर्चा तक दाखिल नहीं होने दिया, और जो हमारी औरतों के साथ बदतमीजी की गई है, इन सब का हिसाब होगा, एक एक से जवाब लिया जाएगा। और अगर कोई ये सोच रहा है कि बख्श दिया जाएगा, सत्ता आने के बाद हर किसी से सवाल होगा। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, सरकार 2022 में समाजवादी पार्टी आ रही है और राष्ट्रीय अखिलेश जी के निर्देशों पे पालन करना है हम सबको और फुल बहुमत से सरकार बनानी है। आज किन मांगों को लेकर प्रमुख तौर पर प्रदर्शन किया गया, क्या मांगे रखी गई? जिला पंचायत चुनाव में हमारे जो कैंडिडेट थे उन लोगों को पर्चा तक दाखिल नहीं होने दिया गया है और उन लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, यहाँ तक कि महिलाओं तक की साड़ी चीरहरण तक की करा गया है। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, आज के लोकतंत्र में इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। भाजपा जहाँ जहाँ जुल्म और ज़्यादती करेगी, वहाँ वहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे ऊपर कितने ही मुकदमे लगा दे, समाजवादी सरकार आएगी, उस मुकदमों का भी हिसाब लिया जाएगा और समाजवादी के कार्यकर्ता कोई भी मुकदमों से नहीं डरता है। धरना प्रदर्शन प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ था, बेतहाशा महंगाई इसके खिलाफ था, महिलाएं सुरक्षित नहीं इसके खिलाफ था। अभी आपने देखा होगा ब्लॉक प्रमुख ये चुनाव में एक ब्लॉक प्रमुख की प्रस्तावक उसके साथ की, और क्या गुंडागर्दी प्रशासन ने, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने मिलकर के उसके साथ की है, ये कोई छुपा या ठकावा नहीं। क्या आपकी मांगे हैं आगे? हमारी मांग ये है कि इस तरह के कृत्य करने से सरकार बाज आए 2022 में, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से 300+ पर बन रही है। ऐसा ना हो कि आने वाली सरकार के कार्यकर्ता ही इनके साथ बदले की भावना से पैसा है। अगर ये अपने आप को, अभी भी 6 महीने का वक्त है, देख सही तरीके से अपनी छवि को पेश करें, गुंडागर्दी से बाज आए, वरना भारत समाजवादी पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता जब तक प्रदेश में चुनाव होंगे ऐसी सड़कों पर जन सैलाब की तरह दिखाई। इस दौरान भाजपा सरकार को सपा नेताओं ने खूब कोसा। आज समाजवादी पार्टी का सारे तहसील मुख्यालयों पे प्रदर्शन हुआ है। ये प्रदर्शन इसलिए हुआ है क्योंकि जो सरकार हमारे ऊपर मुहैया की गई है वो नाइंसाफियों और जुल्म की उसने हदें पार कर ली हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। पिछले इलेक्शन में आपने देखा किस तरह से वोटों की लूट मचाई है, किस तरह से खरीदारियां हुई हैं, कैसे पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल करके लोगों को किडनैप किया गया है। उसके साथ साथ महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल 100 के पार जा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में इससे हमसे ज़्यादा महंगा कोई पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद रहा जितना हिंदुस्तान वाले खरीद रहे हैं। गैस के हालात सबको पता है, दुगने रेट हो गए, कोई कहने वाला नहीं है। महंगाई कहाँ है? 8 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके कानों पर जू नहीं रिंग रही। किसान की सिर्फ एक तो मांग है कि MSP को गारंटी दे दो। MSP देने में क्या परेशानी है? ये चाहते हैं कि ये अडानी अंबानी को किसानों की ज़मीनों को भी लुटवा दें और किसान अपनी ज़मीन के अंदर खुद मजदूरी करे।
इसके तमाम बातों के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ और इनकी इनकी फासिस्ट सोच के खिलाफ, जिसमें ये हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर हमेशा इन्होंने वोट हासिल करने की साजिशें की हैं, आज इंसान जाग चुका है, हिंदू मुसलमान एक है और इन फासिस्ट ताकतों को उखाड़ के इनका वक्त आ गया है। इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। मुरादाबाद तहसील पे आप देख रहे हैं कितना जन सैलाब समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और जो इस उत्तर प्रदेश में भाजपा की वर्तमान में सरकार चल रही है, इनके जुल्म जातियों के खिलाफ सड़कों पर उतरा, आपने अपने नज़ारा देखा है। और उत्तर प्रदेश में जो अभी चुनाव हुए हैं, जिला पंचायत हो, ब्लॉक प्रमुख हो, उसमें किस तरीके का नंगा नाच उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया, उसके खिलाफ आज ये समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन करा। हमारे आदरणीय माननीय आजम खान साहब के साथ देख रहे हैं कितना जुर्म हो रहा है, वो अस्पताल में एडमिट थे, अस्पताल से ज़बरदस्ती छुट्टी देकर उनको जेल कर दिया गया जबकि अभी उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली और किसानों की उचित मूल्य नहीं मिल रहा, तमाम समस्या को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन तहसील पर करा गया है और बहुत बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उतरा। इसी तरीके से हमारे चाहे ठाकुर द्वारा हो, कांट हो, बिलारी हो, सभी तहसील मुख्यालय पर बहुत बड़ा धरने प्रदर्शन आज समाजवादी पार्टी की तरफ से करा गया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर एसटी हसन, विधायक हाजी इकराम कुरैशी, अख्तर हुसैन अंसारी, बाबर खान, राजेश कुमारी यादव, हाजी कसीम उल हक, डीपी यादव, धर्मेंद्र यादव, विजय वीर यादव, यूसुफ खलीफा, विकास चौधरी, जहीर आलम, लालू परवेज, हारून सैफी, तारीफ मलिक, अजरुद्दीन खान, यास्मीन सैफी, नरेश शर्मा, नूर मोहम्मद, अमित प्रजापति, लुकमान खान, करीम खान, फरीद मलिक, फाजिल मलिक, मनोज यादव, सौरभ कपूर, असलम पंचायती आदि मौजूद रहे।